तो बच्चों हमने फ्लेमिंगो बुक की पॉइम थ्री पढ़ी थी कीपिंग क्वाइट और इस वीडियो में बच्चों हम एक बार पोएम के समरी रिवाइज करेंगे और फिर हम इस पॉइम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं समरी ऑफ द पॉइम तो सबसे पहले बच्चों हम पॉइम की समरी एक बार देख लेते हैं द पॉइंट वॉन्ट्स अस टू कीप स्टिल टिल ही काउंट्स अप टू ट्वेल्व तो बच्चों पॉइंट में हमने क्या पढ़ा था कि पॉइंट ने हमसे कहा था कि जब तक वो ट्वेल्व तक की काउंटिंग करते हैं तब तक हम क्या करें बिल्कुल स्टिल हो जाए लेट देर बी नो रश और हरी फॉर अ सेकेंड और एक सेकेंड के लिए किसी भी तरह का रश किसी भी तरह की हरी या जल्दबाजी हमें नहीं दिखानी है इंजन्स एंड अदर मशीन्स मस्ट स्टॉप फॉर अ मोमेंट और जितने भी मशीन्स हैं जितने भी इंजनस हैं वो भी सारे के सारे हमें बंद कर देने हैं डैट मोमेंट विल बी ए फेंटेस्टिक मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अर्ज और फिर वो समय हम सब के लिए बिल्कुल बहुत ज़्यादा फैंटेस्टिक होने वाला है बहुत ज्यादा एग्जॉटिक बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या स्पेशल होने वाला है देन ऑल ऑफ शैल द सडन स्ट्रेंजनेस ऑफ द मोमेंट टुगेदर और फिर हम सबको क्या करना है हम सबको उस मोमेंट को इंजॉय करना है जो कि बहुत ही स्ट्रेंज होगा हमारे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस होगा तो हमें उस नए एक्सपीरियंस को इंजॉय करना है ऑल टुगेदर सबको एक साथ मिलकर तो सभी को आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है एक दूसरे के लिए किसी किसी भी तरह का मन में नेगेटिविटी नहीं रखनी आपस में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है बल्कि सभी को एक साथ मिलके उस मोमेंट को एंजॉय करना है ऑल काइंड ऑफ वॉर्स मस्ट बी स्टॉपड एटवंस और जितनी भी वॉर होती हैं इस वर्ल्ड में चाहे वो वॉर नेचर के अगेंस्ट हो चाहे वो विथ गैसेज हो चाहे वो विथ फायर हो सभी वॉर्स को हमें तुरंत रोक देना है द ग्रीन वॉर्स अगेंस्ट द एन्वायरमेंट तो वो सारी वॉर्स चाहे वो एनवायरमेंट यानि हमारे पर्यावरण के अगेंस्ट जो ग्रीन वॉर हैं वॉर्स विद पॉइजनस गैसेस या फिर जितने भी केमिकल वेपन्स होते हैं पॉइजनस गैसेस के साथ हम वॉर करते हैं एंड वॉर्स विद फायर आर्म्स मस्ट बी स्टॉप नाओ और वो सारे वॉर्स जिन्हें कि हम फायर के साथ किसी भी तरह के एक्सप्लोजन के साथ या फिर वेपन्स के साथ करते हैं उन्हें भी हमें बिल्कुल ही स्टॉप कर देना चाहिए द पॉइट डज नॉट वॉन्ट दैट वी शूड कन्फ्यूज़ स्टिलनेस विद टोटल इन एक्टिविटी आगे हमने पढ़ा था पॉइंट ने अपनी बात क्लियर करते हुए कहा है कि जब वो स्टिलनेस की बात करते हैं तो हमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि स्टिलनेस का मतलब कहीं टोटल इनएक्टिविटी तो नहीं है डूइंग नथिंग एट ऑल वुड अमाउंट टू डेथ तो टोटल इनएक्टिविटी की बात पॉइंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि टोटल इनएक्टिविटी केवल तभी हो सकती है जब किसी की डेथ हो जाए द पॉइंट वॉन्ट्स नो एसोसिएशन विद डेथ और पॉइंट तो डेथ की बात बिल्कुल नहीं कर रहे वो डेथ से किसी भी तरह का एसोसिएशन यानी कनेक्शन नहीं चाहते बल्कि वो तो लाइफ की बात कर रहे हैं एक्टिविटी की एक्टिवनेस की बात कर रहे हैं वी थिंक डेट लाइफ इज़ टू मूव अबाउट और हमें सोचना चाहिए कि लाइफ का मतलब ही क्या है चलते रहना आगे बढ़ते रहना वी शुड नॉट बी ऑलवेज ऑन द मूव फॉर अ वाइल्ड वी शुड ऑल्सो टेक रेस्ट तो हमें हमेशा ही सिंगल माइंडेड होकर अपनी लाइफ में आगे नहीं भागते रहना है बल्कि हमें थोड़ा सा ब्रेक लेना है और हमें थोड़ा सा रेस्ट करना है द poet gives एन example टू illustrate द idea that स्टिलनेस डज नॉट मीन टोटल inactivity. और अपने इस आइडिया को एक्सप्लेन करने के लिए पॉइट हमें एक एग्जाम्पल देते हैं कि जो स्टिलनेस है उसका मतलब टोटल inactivity बिल्कुल नहीं है द अर्थ कैन टीच एस ए लेसन और पॉइंट हमें एग्जाम्पल देते हैं कि हमें अर्थ से सीखना चाहिए अर्थ हमें बहुत अच्छे लेसन इस बारे में सिखा सकती है When everything seems dead, the earth remains alive. तो जब हमें लगता है कि हर एक चीज़ खत्म हो चुकी है पर ऐसा नहीं होता अर्थ हमेशा ही अलाइव रहती है कुछ समय के लिए नेचुरल चीज़ें हो सकता है थोड़ा पॉज थोड़ा सा ब्रेक ले लेकिन अल्टीमेटली वो फिर से लौट के वापस आ जाती हैं तो बच्चों ये पॉइम हमने पढ़ी थी कीपिंग क्वाइट जहाँ पॉइंट ने हमें बताया था कि हमें अपनी बिजी लाइफ से थोड़ा सा टाइम निकालना है और वो समय ऐसा है जब हमें सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है और सभी ह्यूमन बींग्स को अपना ही ब्रदर समझना है आपस में किसी भी violence, किसी भी भी तरह तरह का वॉयलेंस की नेगेटिविटी नहीं रखनी है और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके सभी को अपना ही ब्रदर समझ के हमें उस मोमेंट को इंजॉय करना है और हमें अर्थ से सीखना है कि जो स्टिलनेस है वो टोटल इनएक्टिविटी नहीं होती तो इस तरह से हमने पॉइम बच्चों कंप्लीट कर ली थी और अब हम इस पॉइम के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन फर्स्ट व्हाट विल काउंटिंग अस अचीव तो बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि जब पॉइंट ने कहा था कि ट्वेल्व तक की काउंटिंग करो और बिल्कुल स्टिल होके बैठ जाओ तो ऐसा करने से हम कौन सी चीज अचीव कर सकते हैं हम क्या चीज अपनी लाइफ में प्राप्त कर सकते हैं हम क्या चीज पा सकते हैं आंसर काउंटिंग अप टू ट्वेल्व टेक्स अ वेरी शॉर्ट टाइम तो ट्वेल्व तक की काउंटिंग करने में बहुत थोड़ा सा समय लगता है हम बहुत फटाफट काउंटिंग कर सकते हैं कर सकते हैं वन टू ट्वेल्व तक की कीपिंग स्टिल फॉर दिस ब्रीफ़ इंटरवल ऑफ टाइम गिवस एज ए मोमेंट्री पॉज टू इंट्रोस्पेक्ट एंड रिव्यू द कोर्स ऑफ एक्शन तो ये जो इतना छोटा सा मोमेंट्री टाइम है मोमेंट्री यानी कि जो बिल्कुल एक मोमेंट का है, जो बिल्कुल बहुत छोटा सा जो पॉज है इस पॉज में अगर हम इस स्टिल रहेंगे तो हम हमें क्या मिलेगा हमें एक छोटा सा इंटरवल एक छोटा सा ब्रेक मिलेगा क्या करने का कि हम इंट्रोस्पेक्ट कर पाए अपने खुद के सारे एक्शन और अपने खुद के सारे काम हम देख पाएँ समझ पाए इट इज़ जनरली ऑब्जर्व डेट मोस्ट ऑफ़ द इल्स एंड ट्रबल्स ऑफ द वर्ल्ड आर कॉज बाई आर रश और हरी तो इस वर्ल्ड में जितने भी ट्रबल्स हैं या फिर जितने भी इल काम हैं बुरे काम हैं वो सभी इसीलिए किए जाते हैं कि हम हमेशा ही बहुत ज़्यादा रश में बहुत ज़्यादा हरी में हम रहते हैं वॉयलेंसेस इज़ बाय एंगर और जो हमारा एंगर है उसी की वजह से हम दूसरे लोगों के साथ वॉयेंस करते हैं किसी भी तरह की हिंसा हैं कीपिंग क्वाइट एंड स्टिल विल गिव अस नेसेसरी एंड एंश्योर पीस लेकिन अगर हम बिल्कुल क्वाइट होके स्टिल होके बैठ जाएंगे तो हमें एक respite, एक यानी ब्रेक मिलेगा अपनी इस वॉयेंस भरी लाइफ से इस एंगर भरी लाइफ से हमें एक ब्रेक मिलेगा तो फिर हम क्या कर सकते हैं हम थोड़ी सी शांति ला सकते हैं तो पॉइंट कहना चाह रहे हैं कि हम लोग बहुत ज्यादा सेल्फिश हैं हम हमेशा अपने बारे में ही सोचते हैं और उसी तरह से हम सिंगल माइंडेड पूरे दिन हम बिजी रहते हैं तो अगर हम थोड़ा सा टाइम निकालेंगे हम एक थोड़ा सा ब्रेक लेंगे तो ऐसे में हम एक दूसरे के लिए अपने मन में जो वॉयलेंस है जो एंगर है हम उसको हटा सकते हैं और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आपस में हम क्रिएट कर सकते हैं क्वेश्चन टू डू यू थिंक द पॉइंट एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ तो सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों हमसे पूछा गया है कि आपको क्या लगता है कि क्या पॉइंट टोटल इनएक्टिविटी और डेथ की बात करती हैं जब उन्होंने हमसे कहा कि आप कुछ समय के लिए स्टिल हो जाओ तो क्या उनके कहने का मतलब था कि हम बिल्कुल ही टोटली इनएक्टिव हो जाए या फिर उनका मतलब डेथ से था आंसर नो ही डजेंट एडवोकेट इधर टोटल इनएक्टिविटी और डेथ तो हमारा आंसर है नहीं वो टोटल इनएक्टिविटी की या डेथ की बात बिल्कुल भी नहीं करते हैं उन्होंने अपने आप को बिल्कुल क्लियर कर लिया था बिल्कुल क्लैरिटी के साथ उन्होंने अपनी बात हमें एक्सप्लेन की थी ही मेक्स इट क्वाइट क्लियर डेट स्टिलनेस शुड नॉट बी कन्फ्यूज वि टोटल इनएक्टिविटी और इक्वेटेड टू एट तो उन्होंने बिल्कुल क्लियरली हमसे कहा था कि जो स्टिलनेस है उसका मतलब टोटल इनएक्टिविटी टी या उसके इक्वल होना बिल्कुल भी नहीं है टोटल इनएक्टिविटी ब्रिंग्स डेथ और ऐसा क्यों क्योंकि जब हम टोटल इनएक्टिव हो जाएंगे तो वो केवल तभी होगा जब हमारी डेथ हो जाएगी बट नरोडा बॉन्स नो ट्रक विथ डेथ लेकिन पॉइंट ऐसा तो बिल्कुल नहीं चाहते क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहते कि ट्रक भर भर के डेड बॉडीज वहां पर आए हिज स्टिलनेस मीन्स हॉल्टिंग ऑफ हार्मफुल एंड हॉस्टाइल ह्यूमन एक्टिविटीज़ बल्कि वो जो स्टिलनेस की बात कर रहे हैं उसका मतलब है कि हम थोड़े समय के लिए हॉल्ट कर लें ब्रेक दे दें अपनी उन सारी एक्टिविटीज़ को जो कि हार्मफुल है दूसरे लोगों को जिससे हम परेशान करते हैं और हॉस्टाइल किसी भी तरह का वॉयलेंस हिंसा एंगर इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं हमारी उन सभी एक्टिविटीज़ को हम थोड़े समय के लिए हॉल्ट कर दें यानी कि पॉज कर दें तो उनकी स्टिलनेस का मतलब टोटल इनएक्टिविटी से बिल्कुल भी नहीं है और ये बात उन्होंने पॉइंट में बहुत अच्छे से अपने आप को क्लियर करते हुए हमें समझा दी है नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज़ द सैडनेस दैट द पॉइट रेफर्स टू इन द पोएम इस पोएम में पॉइट किस सैडनेस की बात कर रहे हैं जब उन्होंने सैडनेस वर्ड यूज़ किया था तो वो किस चीज़ को रेफर कर रहे थे किस बारे में हमें बता रहे थे आंसर मैन सैडनेस इज़ फॉर्म आउट ऑफ हिज ऑन एक्शंस एंड थाट्स तो हमारी जो सैडनेस है वो क्यों क्रिएट होती है हमारे ही एक्शंस और हमारे ही विचारों के कारण इट इज़ क्वाइट आयरोनिकल डैट मैन हु अंडरस्टैंड सो मच फ़ेल्स टू अंडरस्टैंड हिमसेल्फ एंड हिज एक्शन तो ये बात बहुत ज़्यादा आयरोनिकल है आयरोनिकल यानी एक तरह से हम कह सकते हैं बहुत ही अपोज़िट है क्या कि वो ह्यूमन बींग जो कि सब कुछ समझता है जिसको बहुत ज़्यादा समझ है जो कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट माना जाता है वो सब कुछ तो समझता है लेकिन बहुत ही आयरोनिकल है ये कि वो खुद को समझने में ही क्या हो जाता है फेल हो जाता है तो हम जो ह्यूमन बींग्स हैं ऐसे हम बहुत इंटेलिजेंट हैं हम सबको समझते हैं लेकिन हम खुद को ही नहीं समझ पाते हम एक्चुअल में क्या चाहते हैं ये हम नहीं समझ पाते रैश एक्शन्स प्रूव हार्मफुल एंड डिज़ास्टरस तो हमारे जो रैश एक्शन्स हैं रैश यानी जब हम बिना सोचे समझे हम कोई काम करते हैं तो वो क्या प्रूव होता है कि वो हार्मफुल है दूसरों लोगों के लिए वो हार्मफुल प्रूव होते हैं और वो बहुत ज़्यादा डिज़ास्टरस यानी कि इस वर्ल्ड में तबाही लाने वाले वो प्रूव होते हैं मैन इज़ अ क्रिएटर ऑफ ऑल डिज़ास्टर तो इस वर्ल्ड में जितने भी डिज़ास्टर्स होते हैं जितनी भी तबाही आती है उन सबका क्रिएटर एक्चुअल में कौन है ह्यूमन बीइंग यानी हम ही है ही इज़ ऑलवेज थ्रेटनिंग हिमसेल्फ with death बिकॉज ऑफ़ हिज thoughts एंड एक्शंस और हमें हमेशा ही डेथ का डर लगा रहता है हमारे ही एक्शंस की वजह से हमारे ही विचारों की वजह से दिस इज़ द tragedy ऑफ़ हिज लाइफ और यही रीज़न है हमारी सैडनेस का और यही रीज़न है हमारी tragedy का तो हमारे लाइफ में जो सैडनेस है उसका रीज़न यही है कि हम खुद को ही नहीं समझ पाते हम मन में एक्चुअल में क्या चाहते हैं अपनी लाइफ से हम नहीं समझ पाते और यही रीजन है कि हम चाहे बाहर से कितने भी हैप्पी हों लेकिन मन हमें हमेशा हमारे एक सेटनेस रहती है नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट सिम्बल फ्रॉम नेचर डज द पॉइंट इन्वोक टू से डेट देर कैन बी लाइफ अंडर अप्रेंट स्टिलनेस तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमसे पूछा गया है कि जो पॉइंट हैं वो नेचर से क्या सिम्बल लेते हैं नेचर से वो क्या समझते हैं किस चीज़ को वो इन्वोक करते हैं कि हमें ये बताने के लिए कि अगर कोई चीज़ हमें थोड़े समय के लिए स्टिल लग रही है तो वो भी डेड नहीं हो जाती बल्कि उसमें भी लाइफ होती है तो बच्चों हमारा क्वेश्चन है कि पॉइंट ने हमें समझाया था कि अगर कोई चीज स्टिल है थोड़े समय के लिए तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो डेड हो गई है बल्कि वो कुछ समय बाद वापस लौट के आएगी और प्रूव हो जाएगा कि वो अलाइव है तो इस बात को समझाने के लिए पॉइंट ने नेचर से क्या सिंबल लिए हैं इस बात को प्रूव करने के लिए पॉइट ने नेचर को कैसे यूज़ किया है आंसर द पॉइंट वॉन्ट्स टू प्रूव डेट देयर कैन बी लाइफ अंडर अप्रेंट स्टिलनेस तो पॉइंट हमसे ये बात एक्सप्लेन हमें करना चाहते थे कि स्टिलनेस का मतलब डेड नहीं है अगर कोई चीज़ हमें थोड़े समय के लिए स्टिल लग रही है तो भी वो डेट नहीं है बल्कि उसमें भी लाइफ हो सकती है और थोड़े समय बाद वो फिर से लौट के आ सकती है द पॉइंट इन वॉक्स द अर्थ एज ए लिविंग सिम्बल टू प्रूव हिस पॉइंट और अपने इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए प्रूव करने के लिए पॉइंट किसका यूज करते हैं अर्थ का यूज करते हैं द अर्थ नेवर अटेंस टोटल इनएक्टिविटी तो अर्थ में कभी भी टोटल इनएक्टिविटी आती ही नहीं है नेचर रिमेन्स एट वर्क ऑल द टाइम इवन अंडर अप्रेंट स्टिलनेस जो नेचर है वो हमेशा काम करती रहती है चाहे हमें ऊपर से लगे कि कुछ समय के लिए वो स्टिल हो गई है लेकिन ऐसा नहीं होता नेचुरल चीजें कभी भी टोटल इनएक्टिविटी में नहीं आती हैं वो हमेशा ही काम में लगी रहती हैं इट कीप अर्थ अलाइव और यही चीज़ है जो कि अर्थ को हमेशा अलाइव रखती है दिस आइडिया इज इलस्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग लाइन्स और पॉइंट ने अपने इस आइडिया को इलस्ट्रेट किया है बहुत ही अच्छे से इन लाइन्स में एज वेन एवरी थिंग सिम्स डेड एंड लेटर प्रूवस टू बी अलाइव तो पॉइट ने हमें इस पोइट्री में कहा था कि जब हमें सारी चीज़ों को देख के ऐसा लगता है कभी कभी कि वो डेड हो चुकी हैं लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता थोड़े ही समय बाद वो प्रूव हो जाता है कि वो अलाइव है थोड़े ही समय के बाद वो चीज़ें लौट के आ जाती हैं और पूरी एंतुजास्टिकली लौट के आती हैं पूरे इंटरेस्ट और इगरनेस के साथ वो चीज़ें फिर से अपने फुल फॉर्म में लौट के आ जाती हैं तो बच्चों हमने हाँ इस पॉइम के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं आई होप आपको ये पॉइम की पूरी एक्सप्लेनेशन और सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं नेक्स्ट वीडियो में हम फ्लैमिंगो बुक के नेक्स्ट पॉइम स्टार्ट करेंगे सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू